सात महीने बाद आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। दिल्ली, यूपी, एमपी में खुल रहे सिनेमा हॉल। 50% सीटों की होगी बुकिंग। पट्टाधारकों और कब्जाधारकों के लिए अच्छी खबर। 2004 के सर्किट रेट पर मिला मालिकाना हक। कैबिनेट की मुहर से हजारों को राहत। उत्तराखंड कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर। सरकार के पिटारे से निकली त्योहारी सौगात। कर्मचारी और पट्टेधारकों की बल्ले बल्ले। उत्तराखंड में 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए खुलेंगे स्कूल। सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए भी चलेगी रोडवेज की बसें। उत्तराखंड परिवहन निगम ने संबंध में जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 429 नए संक्रमित मिले। 14 की मौत। मरीजों का आंकड़ा 56,000 के पार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे आनंद वन में। आनंद ही आनंद। प्रकृति अपने आप में अध्यात्म है। ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। यदि हम इसे ठीक से समझ लें तो प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव खुद ही जागृत हो जाएगा। कुछ ऐसा ही संदेश देता है देहरादून का सिटी फॉरेस्ट, जिसे नाम दिया गया आनंद वन। देखिए रिपोर्ट। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन में है आनंद ही आनंद। प्रकृति, अध्यात्म और ज्ञान की त्रिवेणी का है आनंद वन। 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला है आनंद वन। आनंद वन एकदम अनूठे रूप में बनकर तैयार। प्रकृति अपने आप में आध्यात्म है। ईश्वर का साक्षात रूप है। यदि हम इसे ठीक से समझ लें तो प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव खुद ही जागृत हो जाएगा। कुछ ऐसा ही संदेश देता है देहरादून का सिटी फॉरेस्ट, जिसे नाम दिया गया है आनंद वन। जहां प्रकृति के संरक्षण का संदेश है तो वेद पुराणों की वाणी भी। इसके साथ ही नई पीढ़ी के लिए फ्लोरा व फौना से जुड़ा ज्ञान का खजाना भी है। प्रकृति, अध्यात्म और ज्ञान की इस त्रिवेणी को वन महकमा 17 अक्टूबर से आमजन के लिए खोलने जा रहा है। बता दें, देहरादून शहर से 13 किलोमीटर के फासले पर झाझरा में करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला है आनंद वन। हालांकि यहां पहले नवग्रह वाटिका व नक्षत्र वाटिकाएं स्थापित की गईं, मगर ये आकार नहीं ले पाई। बाद में वन महकमे ने इस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने की ठानी, ताकि दूनवासी वहां सुकून का समय बिता सकें। मंथन के दौरान तय हुआ कि सिटी फॉरेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकृति से कोई छेड़छाड़ किए बिना उसे संवारा जाए। साथ ही यहां आने वाले व्यक्तियों को आध्यात्म का एहसास भी हो। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज की पत्नी साधना जयराज सिटी फॉरेस्ट की इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए बतौर मार्गदर्शक आगे आई। अक्टूबर 2017 में उन्होंने इसकी कार्य योजना तैयार की और फिर धीरे धीरे वन विभाग के सहयोग से इसे आकार दिया। साधना बताती है कि तब यह चुनौती थी कि सिटी फॉरेस्ट बनाने के लिए हम कहीं यहाँ प्रकृति को तो नहीं बिगाड़ रहे, लिहाजा ये तय किया गया कि यहाँ सीमेंट कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाएगा। कोशिशें रंग लाई और आज सिटी फॉरेस्ट यानी आनंद वन एकदम अनूठे रूप में बनकर तैयार है। आनंद वन में प्रकृति, अध्यात्म व ज्ञान, तीन बिंदुओं पर फोकस। प्रवेश करते ही वेद पुराणों की वाणी गुंजायमान होती है। इसके लिए पूरे परिसर में 64 स्पीकर लगाए गए हैं। जगह जगह वेद पुराणों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान के गुण बातों को समझाया गया है। ऐसे में प्रकृति की छांव में आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नक्षत्र वाटिका, हर्बल गार्डन, सीता वाटिका भी बनी है। नक्षत्र वाटिका में एक्यूप्रेशर टाइल लगी है।
ग्लोब भी लगाया गया है और नक्षत्र के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें एक को केदार कुटीर और दूसरे को बद्री कुटीर नाम दिए गए हैं। इसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के बारे में बताया गया है। वसुधरा वाटरफॉल भी यहां तैयार किया गया है। बता दें, आनंदवन की सैर के लिए वन महकमा कुछ शुल्क भी रखने जा रहा है। इसके तहत वयस्क के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 20 रुपए प्रति बच्चा शुल्क रखने पर मंथन चल रहा है। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज के अनुसार इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने विधानसभा देहरादून में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर चर्चा की गई, साथ ही 2022 तक दुर्घटना की संख्या आधी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इसके लिए परिवहन मंत्री की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए, पुलिस विभाग को चालान की संख्या में वृद्धि करने, चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण के लिए स्थलों पर क्रश बैरियर का निर्माण और रोड सेफ्टी ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ, जिस कारण कोरोना के बचाव के लिए अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और इस कड़ी में एसडीजीएफ कई जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करेगा, जहां तक प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। एसडीआरएफ अवेयरनेस टीम को कमांडेंट तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यालय जौली ग्रांड से 10 बाइक और 2 गाड़ियों में रक्षक अवेयरनेस टीम को एसडीआरएफ की कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगातार जो कोविड संबंधी प्रशिक्षण और जन जागरूकता है, उसके लिए मिशन जागृति के अंतर्गत भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 70,000 लोगों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवा दी है। इसी क्रम में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो मोहल्लों के क्षेत्र हैं, उसमें गली गली में हमारे बाइक सवार दस्ता जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में महत्वपूर्ण 18 बिंदुओं को लेकर मुहर लगी, जिसमें राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट में मुहर लगी। उसके अलावा कोविड-19 महामारी में की जाने वाली वेतन कटौती सरकार पर भी फैसला लिया। मुख्यमंत्री IAS IPS की वेतन कटौती जारी रखने का निर्णय लिया, तो वहीं कर्मचारियों की जाने वाली एक दिन की कटौती को दीपावली के त्यौहार पर पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया। टिकट तो GMN उस रूप में बेच रहे होंगे, ये निर्णय हुआ होगा जब हम लोगों ने इसका प्रक्रिया वगैरह की होगी, क्योंकि कुछ शिकायतें इस रूप में मिल रही होंगी तो इस कारण से किया होगा। लेकिन ये जो भी जो टेंडर की शर्तें थी, प्रक्रिया थी, उस समय जब कंपनी ने प्रतिभाग किया होगा तो संभवतः ये शर्तें उसमें होंगी, और अलग से कोई शर्तें जोड़ी गई हों ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई डिमांड आएगी तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड में आगामी 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी और ये फैसला बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, बाकी कक्षाओं के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदे शिक्षा विभाग अलग से SOP जारी करेगा। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए जाएंगे। बैठक में 18 मामले सामने आए हैं। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई, जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट खंडपीठ ने सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस और कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के बीच पदोन्नति के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार एवं
ने दायर जनहित याचिका राज्य सरकार द्वारा 2018 में जारी पदोन्नति के नियमों को चुनौती दी है, जिसमें पदोन्नति के लिए नई प्रक्रिया 2018 की धारा 5 और 24 में कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस और कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के बीच असमान पदोन्नति के नियम बनाए गए हैं। नियमों में कांस्टेबल और सशस्त्र पुलिस के लिए बेहतर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए गए हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने में इन विनियमों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पुलिस रेगुलेशंस 2018 वी हैव चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टुडे एंड वी हैव प्लीडेड कि जो भी इसमें प्रमोशन के रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस है उनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स रिड्यूस हुए हैं और आर्बिट्रेरीली जो कांस्टेबल आम पुलिस है उसको बेटर प्रमोशन एवेन्यूज दिए गए हैं। आम पुलिस है वो ज़्यादा प्रमोशन पाएगा और सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस के कांस्टेबल्स को प्रमोशन कम मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड व राज्य सरकार के बीच में फंसे सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व सीबीएसई बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार वलीमठ व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी की खंडपीठ में है। जी, जो रिट पिटीशन है बेसिकली उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स ने फाइल करी थी। इस रिट पिटीशन में हमने गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून 2020 को भी चैलेंज किया उस एक्सटेंट तक कि हम किसी स्टूडेंट का नाम स्कूल के रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। सीबीएसई ने 1 सितंबर 2020 को कुछ डायरेक्शन इशू करी है जिसमें सीबीएसई रिकोगनाइज स्कूल से ₹10,000 एज स्पोर्ट्स फी, ₹10,000 एज टीचर ट्रेनिंग फी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 का डिमांड किया है। अब इस समय जो सीबीएसई ने, क्योंकि स्कूल्स केवल ट्यूशन फी ही चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट से, सीबीएसई ने जो डिमांड रेज करा है ये सीधा सीधा जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून है उससे कॉन्ट्रडिक्शन में है। स्कूल्स किसी बच्चे का नाम फीस ना देने के कारण अपने रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते और एट द सेम टाइम सीबीएसई ने जो इतनी फीस की डिमांड रेज करी है, इस कारण से हमने सीबीएसई के ऑर्डर्स को एज वेल एज जो डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का उसको दोनों को चैलेंज किया है। आज कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीएसई को 2 हफ्ते में इस मैटर में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया। चौदह वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष व नगर पालिका सभासद गजाला कमाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने 50 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा के जिला महामंत्री कमल नयन जोशी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। गजाला वर्ष 2006 में यूथ कांग्रेस की नगर उपाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस से जुड़ी थी। इसके बाद वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नगर अध्यक्ष, फिर महिला कांग्रेस की जिला महामंत्री रही तथा वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। सितारगंज कृषि मंडी समिति में किसानों की सरकारी मानकों के अनुसार तौली जा रहे धान की फसलें तौल सुचारू रूप से हो रही हैं या नहीं, ये किसानों को धान तौल में क्या परेशानियां हो रही हैं, इसका जिला मुख्य सचिव प्रताप शाह ने मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मुक्ता मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रही। शाह ने मंडी में कछुए आढ़तियों सरकार द्वारा धान तौल में किसानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए मंडी अधिकारियों को निर्देश दिए। सितारगंज में जो सरकारी खरीद हो रही है विभिन्न केंद्रों पे खरीद चालू है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्ण की गई हैं। किसानों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। जो उपस्थित किसान हैं उनके द्वारा भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है, किंतु जांच में ये पाया गया कि जो कॉपरेटिव के हमारे कांटे हैं या केंद्र हैं उन पर धनराशि का वितरण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। धनराशि कुछ केंद्रों पर एक दो दिन पहले ही आई है, कुछ आज आ रही है, तो आज या कल से उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि किसानों का 48 घंटे के भीतर ये भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। और बनती हैं निर्धारित पंजिकाएँ बनती हैं, उनका रख रखाव अपूर्ण है, पंजिकाएँ कम बनी हैं, वो पंजिकाएँ उनको बनाने के लिए और ऑनलाइन जो रख रखाव होता है उसको भी ठीक करने के लिए।
बेरीनाग के सामुदायिक केंद्र को शासनादेश होने के बाद भी पीएससी होने पर पूर्व विधायक नारायण राम रारे ने एक बयान में कहा कि 2015 में तत्कालीन कांग्रेस ने पीएससी को सीएससी को शासनादेश करने के बाद भी 5 वर्ष में पीएससी का ही लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है और ये सरकार उदासीनता के कारण हो रहा है। सरकार को यहां के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यदि उसके बाद भी यहां पर पीएससी की सुविधा नहीं मिलती है तो सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों में उतरकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, ये तो शासन में बैठे हुए लोगों की अगर मैं नाकामी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं कि मेरे क्षेत्र में कितने सीएससी हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है अपराध, बाराबंकी में नाबालिग का शव मिलने से बची सनसनी। बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, नाबालिग दलित लड़की का खेत में शव मिला, परिजनों ने जताई है दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध अपने चरम पर है। बता दें कि नाबालिग का अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया है बाराबंकी से। बड़ी खबर, फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सतरिक इलाके के एक गांव का यह मामला है जहां पर नाबालिग दलित लड़की का शव मिला है, परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, ग्राम पिपरी के धान के खेत में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी का पंचनामा भर करके विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें समस्त साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सीमांत क्षेत्र खटीमा में भाजपा संगठन का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस खटीमा में प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष अमित तारंग के द्वारा किया गया। वहीं खटीमा प्रभारी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बारे में बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार उत्तराखंड के प्रत्येक मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने हैं और इसी के चलते खटीमा में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास, संगठन की रूपरेखा, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। शिविर में संगठन से जुड़े नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
देखिए, ये तो शासन में बैठे हुए लोगों की अगर मैं नाकामी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं कि मेरे क्षेत्र में कितने सीएससी हैं। सीमांत कटिहार में किसानों को क्रय केंद्रों पर धान तौल को लेकर हो रही दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आक्रोशित किसानों ने कृषि मंडी खटीमा प्रशासनिक कार्यालय में राइस मिलर्स द्वारा किया जा रहे शोषण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरुसेवक ने बताया कि लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया है कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वही मामले में किसान प्रदर्शनकारी मिलर्स के पर आरोप लगा रहे हैं। सीमांत के मिलर्स मालिकों ने उत्तर प्रदेश से सस्ता चावल स्टॉक किया हुआ है जिसको सरकारी रेटों में खपाने के लिए किसानों का धान तोलने में आनाकानी की जा रही है। शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हर प्रत्येक मंडल में, उत्तराखंड में जितने भी मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में प्रशिक्षण वर्ग होगा जो दो दिवसीय होगा। प्रत्येक मंडल को 28 तारीख से लेकर हमारा 10 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग हमारा दो दिन का होगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने धान के समर्थन मूल्य अधिकार कड़ी के तहत नानकमत्ता मंडी में सितारगंज मंडी तक जुलूस निकाला और इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया गया। सभा के जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकाले गए। वहीं इस दौरान काला कानून वापस लो, समर्थन मूल्य हमारा अधिकार है आदि नारे लगाए जा रहे थे। बाद में तहसीलदार कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार में नानकमत्ता मंडी से कच्चे आढ़तियों की धांधली की शिकायत की गई, चेतावनी दी गई, अगर किसानों को परेशान किया गया तो तहसील का घेराव किया जाएगा। मांग की गई कि धान की तौल में अवैध कटौती बंद की जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल जो हमारी ट्रालियां यहां से गई थी मंडी से मिलर्स में, तो मिल वालों ने वो उतारी नहीं है। लगभग 20-22 ट्रालियां जो है अभी भी मिलों में खड़ी है। तो मिलर्स जो ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान का शोषण करें, यहाँ वाउचर कुछ और निकलता है, वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा निकालता है कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा है, धान जो है, जो धान चावल है 1600 रुपए में खरीद रखा है, उसको खपाने के लिए हमारा धान ये खरीद लाने जाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको परेशान करेंगे तो हम अपना चावल जो है इन खातों में चढ़ाएंगे। तो यही परेशानी है आप लोग? जी, हम लोग यही परेशान। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो मानक है उसके हिसाब से धान खरीदा जाए, मंडी में धान उतरवाया जाए। हम सब किसान सहमत हैं। जी है जी, कल जो हमारी ट्रालियां यहां से गई थी मंडी से मिलर्स में, तो मिल वालों ने वो उतारी नहीं है। लगभग 20-22 ट्रालियां जो है अभी भी मिलों में खड़ी है। तो मिलर्स जो ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान का शोषण करें, यहाँ वाउचर कुछ और निकलता है, वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा निकालता है कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा है, धान जो है, जो धान चावल है 1600 रुपए में खरीद रखा है, उसको खपाने के लिए हमारा धान ये खरीद लाने जाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको परेशान करेंगे तो हम अपना चावल जो है इन खातों में चढ़ाएंगे। तो यही परेशानी है आप लोग? जी, हम लोग यही परेशान। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो मानक है उसके हिसाब से धान खरीदा जाए, मंडी में धान उतरवाया जाए। हम सब किसान सहमत हैं। जी है जी, कल जो हमारी ट्रालियां यहां। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ।